राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे जावेद करीम के बारे में। जर्मन जो है अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी हैं। इनका जन्म जो 28 अक्टूबर 1979 को मर्सबर्ग में जर्मनी में हुआ था। यह यूट्यूब के सह संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। यह यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले पहले प्रयोक्ता भी थे। यह पेपल के कई तरह के औजार भी बना चुके हैं। जन्म जो है 28 अक्टूबर 1979 पूर्व जर्मनी में। प्रसिद्धिया कारण जो है यूट्यूब के सह संस्थापक करीम का जन्म जो मर्सबर्ग पूर्व जर्मनी में हुआ था, लेकिन 1981 में जर्मनी की सीमा पार करते हुए सारा परिवार न्यूज पश्चिम जर्मनी में आ गया। इसके बाद जो है केंद्रीय उच्च विद्यालय मिनेसोटा में पढ़ाई करने के लिए लियनोइस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, जहाँ यह कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षा अर्जित कर वहाँ से पेपल के कर्मचारी बन गए। साथ ही वह अपनी पढ़ाई भी पूरी करने लगे। इसके बाद वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके वहाँ से निकल गए। पेपल में कार्य करते हुए वह चेड हरले और स्टीव चेन से मिले। तीनों बाद में 2005 को यूट्यूब के संस्थापक बन गए। यूट्यूब का पहला वीडियो करीम द्वारा 23 अप्रैल 2005 में डाला गया था। उस वीडियो का नाम जो है मी एट द जू रखा था। उसी दिन डाला जाता जब करीम ने अपना खाता बनाया था। इस कंपनी के संस्थापना और यूट्यूब के निर्माण के बाद वह और चेड डरले और स्टीव चेन सभी अपनी पढ़ाई पूरी करके स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से निकल जाते हैं। इसके बाद यूट्यूब को गूगल खरीद लेता है। करीम और अन्य उसके बाद एक दिशा निर्देशक के रूप में यूट्यूब में कार्य करते हैं। करीम को इसके लिए गूगल के स्टॉक का 1,37,443 भाग मिलता है। यह लगभग 64 मिलियन यानी 325 करोड़ रुपए की कीमत होती है। यह कीमत उस समय गूगल के स्टॉक उस समय का बंद होने वाला मूल्य के अनुसार है। इसके बाद मार्च 2008 में करीम ने उद्यम निधि को बनाया, जो वर्तमान में पूर्व में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सहायता का और व्यापार के विचार को बनाता है। 6 नवंबर 2013 को गूगल ने किसी भी यूट्यूब में टिप्पणी के लिए केवल गूगल प्लस के खाते का अनिवार्य कर दिया था। इस तरह के ज़बरदस्ती गूगल प्लस उपयोग करने के फैसले का लगभग सभी यूट्यूब समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। इसके विरोध में 2,40,000 लोगों ने हस्ताक्षर कर इसका विरोध किया था। यूट्यूब पर टिप्पणी करने के लिए गूगल प्लस का अनिवार्य करने पर प्रतिक्रिया में करीम ने अपने YouTube खाते पर लिखा कि मुझे YouTube पर वीडियो में टिप्पणी लिखने के लिए Google Plus की क्या आवश्यकता है। इसके बाद उनके डाले गए वीडियो का विवरण बदल कर मैं चिड़ियाघर में हूँ कर दिया और लिखा कि अब मैं यहाँ कभी टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे Google Plus खाता नहीं चाहिए। YouTube समुदाय के नाराज़गी के चलते Google ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। गूगल प्लस प्रयोक्ता को उनके वास्तविक नाम हेतु ज़बरदस्ती करता था। इस कारण यह यूट्यूब प्रयोक्ता के मध्य प्रसिद्ध नहीं हो पाया। इसके बाद गूगल ने अपने सभी उत्पादों में गूगल प्लस की अनिवार्यता को हटा दिया था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दियो।